स्टेटस नॉट रिसीव फ्रॉम NPCI सर्वर, इस प्रकार की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा छात्रों को आ रही है। जब भी वे अपना UP स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं, सब कुछ पूरा फॉर्म कंप्लीट होने के बाद जैसे वो ये NPCI सत्यापन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो उनको इस प्रकार की एरर मैसेज शो होती है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर अपना NPCI सत्यापन कर रहे होंगे तो स्टेटस नॉट रिसीव फ्रॉम NPCI सर्वर चेकिंग डेट, यहाँ पर डेट आपको शो होती है, समय मेंशन हो जाता है और यहाँ पर आपका NPCI सत्यापन नहीं हो पाता है। दोस्तों अगर आपको भी इस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसे डायरेक्ट NPCI से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। तो शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले अपना NPCI सत्यापन करने के लिए आप पहले एक बार अपने पोर्टल पर आएंगे, अपना फॉर्म लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको NPCI से सत्यापन करें इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है चेक NPCI स्टेटस का, तो इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप 2 से 3 बार क्लिक करोगे फिर यहाँ पर आपका NPCI सत्यापन हो जाएगा। अगर फिर भी यहाँ पर आपका NPCI सत्यापन नहीं होता तो दूसरा तरीका क्या है आपको अपना NPCI सत्यापन करने के लिए, तो आप अपने मोबाइल फ़ोन में सबसे पहले कोई भी ब्राउज़र ओपन करेंगे और उसके सर्च बार में आपको टाइप करना है npci.org.in, इतना लिखकर आप लोगों को सर्च करना है। जैसे आप इतना लिखकर सर्च करोगे तो डायरेक्ट आप NPCI के पोर्टल पर आ जाओगे। यहाँ पर दोस्तों आने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिला है, यहाँ पर प्रोडक्ट का ऑप्शन, इसी के बगल में कंज्यूमर का, तो इस कंज्यूमर वाले ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक करना। जैसे दोस्तों आप कंज्यूमर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो सबसे लास्ट में एक ऑप्शन आपको मिलेगा भारत आधार सीडिंग इनेबल, तो सबसे पहले आपको इसी लिंक पे क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने पेज लोड होगा और इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको कुछ डिटेल फिलअप करनी, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग, यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट भेजा के लिए यहाँ पर आपको पोर्टल ओपन हुआ है, तो आप इसे नहीं चेक करेंगे। सबसे पहले आपको चेक का करना है, यहाँ एरो के ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक करना है और यहाँ पर तीसरे नंबर पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा गेट आधार मैपिंग स्टेटस, इस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ से आपको इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे फिर दोस्तों यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपका ये सेलेक्ट हो चुका है गेट आधार मैपिंग स्टेटस का जो ऑप्शन है ये यहाँ पर सेलेक्ट हो चुका है। यहाँ से आप अपना सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेटस चेक करेंगे कि आपका NPCI से अकाउंट लिंक है या फिर नहीं है। तो यहाँ इसके लिए अपना आधार नंबर कैप्चा कोड डालकर यहाँ पर आपको नीचे चेक स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड दोनों फिलअप करेंगे, सही से आपको फिलअप करना है। फिर दोस्तों यहाँ पर चेक स्टेटस के ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करेंगे। जैसे आप चेक स्टेटस पे क्लिक करेंगे आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, OTP आपको इस बॉक्स में फिलअप करनी, यहाँ पर आप OTP डालेंगे, देन यहाँ पर आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे आप OTP डालने के बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका ये पेज लोड होगा, यहाँ पर आपकी डिटेल फैच करेगा, आपके सामने इस प्रकार से आपकी डिटेल शो होंगी। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे तो सबसे मेन यहाँ पर आपका सबसे ऊपर में ही आपका आधार नंबर शो हो गया, जो लास्ट के 4 अंक देखने को मिलेंगे, और जो मेन आपका रहेगा जो यहाँ पर सबसे यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पर आपका मैपिंग स्टेटस, ये आपका बहुत ज़रूरी ऑप्शन है, ये चीज़ आपको देखनी है। यहाँ पर देखने को मिलेगा इनेबल फॉर DBT, अगर दोस्तों यहाँ पर इनेबल फॉर DBT है तो यहाँ पर बहुत बहुत अच्छी बात है। अगर दोस्तों यहाँ पर आपका इनेबल फॉर DBT है तो DBT अगर आपका NPCI से लिंक होगा तभी आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा इनेबल फॉर DBT। दोस्तों नीचे आओगे तो बहुत सारी और डिटेल देखने को मिलेगी, जैसे कि यहाँ पर लास्ट अपडेट डेट, किस डेट में यहाँ पर आपका DBT इनेबल किया गया, जो रिक्वेस्ट भेजी गई वो किस डेट में भेजी गई, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इसके नीचे आओगे तो यहाँ पर आपका किस बैंक से लिंक है, जो सारी आपके अकाउंट से रिलेटेड डिटेल देखने को मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक का नाम, किस बैंक से आपका NPCI मैपिंग है लिंक है, तो ये सारी चीज़ यहाँ पर देख लेंगे। अगर दोस्तों यहाँ पर आपका NPCI से लिंक होगा तो इस तरीके से आपको डिटेल देखने को मिलेगी इनेबल फॉर DBT, जो यहाँ पर आपका सेकंड नंबर का पॉइंट है ये अब आपका यहाँ पर इनेबल होना चाहिए, जैसे कि इनेबल फॉर DBT लिखा हुआ है। अगर दोस्तों इसकी जगह पे आपका डिसेबल फॉर DBT होता है तो इस स्थिति में दोस्तों यहाँ पर आप बहुत परेशान भी हो जाओगे, आपका NPCI सत्यापन नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर आपका इनेबल होगा तो डायरेक्ट आप NPCI पोर्टल से, जैसे आप वहाँ पे स्कॉलर पोर्टल पे जाओगे, अपना लॉगिन करोगे, चेक NPCI स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे और आपका यहाँ पर दिन में अगर नहीं होता है तो आप रात्रि में ट्राई करोगे 1-2 बार, तो यहाँ पर आपका NPCI सत्यापन हो जाएगा। 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका NPCI सत्यापन हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर आपका डिसेबल रहेगा तो यहाँ पर आप चाहे 1000 बार ट्राई कर लें लेकिन आपका NPCI
सत्यापन नहीं होगा। इसको इनेबल करने के लिए सबसे पहले आप अपनी बैंक जाएंगे, वहाँ पर आपको जो बैंक का प्रोसेस है वो थोड़ा आसान सा तरीका है, आप जिससे अपना NPCI लिंक करा सकते हैं, बहुत आसानी से हो जाता है, आपको ज़्यादा दौड़भाग करने की ज़रूरत नहीं, आपको एक बार जाना होता और 24 से 48 घंटे में लिंक भी हो जाएगा। ऑनलाइन तरीका है लेकिन उसमें काफ़ी समय लगता है, इसलिए हम ऑनलाइन तरीका आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप बैंक जाएंगे, वहाँ पर आपको अपना NPCI से अकाउंट मैप कराना है, इनेबल कराना, जैसे आप इनेबल होगा फिर आप 24 से 48 घंटे के बाद अपना NPCI पोर्टल पे आएंगे, जैसे कि वहाँ पे आपको स्कॉलर पोर्टल पे आना है, चेक NPCI स्टेटस पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपका NPCI सत्यापन 100% गारंटी के साथ हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी जब आपका यहाँ पर इनेबल हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन प्रोसेस जानना चाहते हैं, इसके लिए दोस्तों आपको यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा, देख सकते हैं रिक्वेस्ट फॉर, यहाँ पर आपका रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग का ऑप्शन है, इस ऑप्शन को वहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसमें थोड़ा समय लगता है क्योंकि इसमें कोई वो नहीं है कि आपका जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को NPCI जल्दी से करना है, फॉर्म जल्दी से फिलअप करना है, इसलिए बैंक की तरफ से आप कराओगे तो बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी हो जाएगा। यहाँ पर आपका कई सप्ताह भी समय लग सकता है, जैसे कि आधार नंबर सीडिंग के ऑप्शन भी यहाँ पर सब कुछ ऑनलाइन तरीके से होता है, लेकिन इससे आप करोगे इसमें काफ़ी समय लग सकता है, इसलिए हम सजेस्ट करेंगे आप बैंक के जाके अपना NPCI अपना लिंक कराएंगे। ऑनलाइन का प्रोसेस हमने आप पहले बता रखा है, उसको आप देखकर अपना ऑनलाइन तरीके से अगर करना चाहते तो आप कर भी सकते हैं, बहुत सारी बैंकों यहाँ पर ऐड कर दिया गया है, पहले यहाँ पर कुछ ही बैंकें यहाँ पर मेंशन थी लेकिन अब बहुत सारी बैंकों का नाम यहाँ पर ऐड हो चुका है, आप अपना NPCI लिंक करा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप अपना NPCI लिंक होने के बाद 24 से 48 घंटे के बाद आएंगे, जब भी आप बैंक में अपना कराएंगे तो 24 से 48 घंटे में हो जाता है। अगर दोस्तों आप बैंक भी नहीं जाना चाहते तो दूसरा और आसान सा तरीका है जिससे आप कर सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पर आपको IPB इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराना है, जैसे कि IPBB, इस अकाउंट में आप अपना नज़दीकी डाकखाने में जाएंगे, वहाँ पे अपना एक न्यू अकाउंट ओपन करा लेंगे, वहाँ पे आप लोगों को बोलना है NPCI से लिंक अकाउंट ओपन कर दें, जैसे वो अपना अकाउंट लिंक करेंगे ओपन करेंगे तो यहाँ पर 24 से 48 घंटे के बाद आपका NPCI अकाउंट से लिंक हो जाएगा, फिर दोस्तों यहाँ पर आपका NPCI सत्यापन हो जाएगा। जैसे ही आप लिंक होने के बाद चेक NPCI स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करोगे फिर यहाँ पर जो प्रॉब्लम आपको है वो सॉल्व हो जाएगी, इसी तरीके से आप अपना NPCI की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।